हेलो फ्रेंड्स, मैं जगमाल स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे अगली क्लास की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अपन ने अभी तक जाना कि आयरन डेफिशेंसी एनीमिया के बारे में। अब तक अपन ने डेफिनेशन, कोज, रिस्क फैक्टर और सिम्टम्स जान लिए। दोस्तों आज अपन बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अपन बात करते हैं आज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस कैटेगरी का होता है। ठीक है, या किस प्रकार का होता है। जैसे होता है नॉर्मोक्रिटिक, ठीक है, एंड माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक, इनमें से ऐसे और भी हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी कैटेगरी का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, फर्स्ट वन है माइक्रोसाइटिक। क्या होते हैं? डिक्रीज आरबीसी, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आरबीसी की कमी हो रही है। ठीक है, सेकेंड वन अपन बात करते हैं हाइपोक्रोमिक। ये क्या होता है? डिक्रीज हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हो गए इसके कैटेगरी, यानी कि किस कैटेगरी का है या किस प्रकार का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कि इसके इवैल्यूएशन में फर्स्ट अपन लेते हैं एनीसोसाइटोसिस। ठीक है, एनीसोसाइटोसिस क्या होता है? एनीसोसाइटोसिस क्या होता है? चेंज इन आरबीसी साइज। ठीक है, एंड सेकंड वन पोकिलोसाइटोसिस। पोकिलोसाइटोसिस क्या होता है? चेंज इन आरबीसी शेप। पोकिलोसाइटोसिस, ठीक है, पोकिलोसाइटोसिस क्या होता है? चेंज इन आरबीसी, ठीक है, शेप। ये हो गया पोकिलोसाइटोसिस। दो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अपने ये हो गए। ये अपने को एक तो क्या मिलेगी? एनीसोसाइटोसिस, यानी आरबीसी की साइज अपने को चेंज मिलेगी। ठीक है, सेकंड वन आरबीसी की शेप चेंज मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं एमसीबी। ठीक है, एमसीबी थर्ड वन। ठीक है, एमसीबी बताने से पहले मैं इसकी एक बार फुल फॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम दोस्तों। ठीक है, ये होगी एमसीबी की फुल फॉर्म, यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इट इज ए वॉल्यूम ऑफ ठीक है, इट इज ए वॉल्यूम ऑफ वन आरबीसी कवर इन 1 लीटर ब्लड। ठीक है, यानी कि एक आरबीसी 1 लीटर ब्लड के अंदर जितना स्पेस कवर करती है उसको अपन बोलते हैं एमसीबी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। या फिर इसको बोल सकते हैं कि 1 लीटर ब्लड में एक आरबीसी का आयतन। आयतन क्या होता है? विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, यानी कि एक आरबीसी 1 लीटर ब्लड के अंदर कितना स्पेस कवर करती है। ठीक है,
वो होता है एमसीवी। अब एमसीवी की मैं बात करूँ, इसकी नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 82 90 फेंटोलीटर पर आरबीसी, ठीक है, पर आरबीसी। और एक फेंटोलीटर क्या, फेंटोलीटर को अपन लीटर में बात करें तो 10 की पावर माइनस, ठीक है, लीटर 10 की पावर माइनस 15 लीटर, 10 की पावर माइनस 15, ठीक है, ये होगी एक फेंटोलीटर की वैल्यू, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर एमसीवी, एमसीवी डिक्रीज इन, डिक्रीज इन आरबीसी, डिक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी में एनीमिया के अंदर एमसीवी की वैल्यू है वो कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं MCHC, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है दोस्तों, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है, फोर्थ वन MCHC। MCHC क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर, कॉर्पस्कुलर मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये उसकी फुल फॉर्म मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, ठीक है। अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की, इसकी डेफिनेशन हो गई, इट इज ए एम्स या एमसीएचसी दें कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml पैक्ड आरबीसी, इन 100 ml पैक्ड आरबीसी, पैक्ड आरबीसी यानी 100 ml पैक्ड आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, ठीक है दोस्तों। इसकी बात करें अपन नॉर्मल वैल्यू, और इट ऑल्सो डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, इट ऑल्सो डिक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू होती है 32 35 ग्राम पर डीएल, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू, और ये इससे कम होगी 32 से, ठीक है, जब होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं आरडीडब्ल्यू, RDW क्या होता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वन RDW, ये क्या होता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ब्यूसन
एंड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ठीक है, ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वेरिएशन इन आरबीसी साइज। ठीक है, क्योंकि आरबीसी की साइज के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है, जो वेरिएंट मिलेगा अपने को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, उसको बोलते हैं अपन आरडीडब्ल्यू। ठीक है, आरडीडब्ल्यू कब हमेशा या तो वर्ड इंक्रीज होता है या नॉर्मल रहता है। ठीक है, इफ वेरिएंट अगर वेरिएशन प्रेजेंट रहता है तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज आरडीडब्ल्यू। ठीक है, इफ वेरिएशन इज प्रेजेंट then it increase. If variation is not present, then it normal। ठीक है, आरबीसी की साइज के अंदर अपने को वेरिएशन मिलता है तो ये आरडीडब्ल्यू बढ़ेगा। ठीक है, इफ वेरिएंस इन नॉट प्रेजेंट देन इट्स नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें आयरन सीरम आयरन लेवल, ठीक है, सीरम आयरन लेवल। ठीक है, सीरम आयरन लेवल। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, न्यू बोर्न के अंदर होता है ये, न्यू बोर्न में। ठीक है, 22 159 माइक्रोग्राम पर डीएल। ठीक है, और 1-3 ईयर। ठीक है, यहाँ पर 6 वीक टू 1 ईयर ये होता है 22 150 माइक्रोग्राम पर डीएल। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन इसकी बात करें ये होता है थ्री ईयर तक होता है 6 वीक टू 3 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें 3 ईयर टू 9 ईयर। ठीक है, ये होता है 22 141 माइक्रोग्राम पर डीएल। ठीक है, ये हो गई डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए ओनली चाइल्ड दिया हो जाए तो चाइल्ड की देखो सिद्ध सी ट्रिक है, 60 तीनों को काउंट किया 62 170 माइक्रोग्राम पर डीएल। ठीक है, ये हो गई इसकी चाइल्ड की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीरम आयरन लेवल हो गया आरबीसी काउंट। तो
सीरम आयरन लेवल अपने को मिलेगा डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं आरबीसी काउंट डिक्रीज, ये अपने को नेक्स्ट मिलेगा देखने को, ठीक है, डिक्रीज। तो नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी पीडियाट्रिक के अंदर 3.9 to 5.3 million पर mm क्यूब, ठीक है, क्यूब ये हो गया आरबीसी काउंट नॉर्मल, ठीक है। ये अपने को इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर डिक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें ट्रांसफेरेटिन, सेचुरेशन सेचुरेशन लेवल ऑल्सो डिक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिक्रीज, वो भी कितना लेस देन 16, ठीक है दोस्तों। अब इससे पहले जानते हैं कि ट्रांसफेरेटिन सेचुरेशन होता क्या है। ट्रांसफेरेटिन क्या है, एक आयरन कैरिंग प्रोटीन है, आयरन कैरिंग प्रोटीन, ठीक है, ये होगी आयरन कैरिंग प्रोटीन यानी ट्रांसफेरेटिन, ठीक है। अब केयर कर रही है तो इसके ऊपर चिपकाएगी, ठीक है, ये जितना स्पेस कवर कर रही है वो होता है इसका सेचुरेशन, ठीक है, यानी कि इतना ये स्पेस कवर कर रही है एक ट्रांसफेरेटिन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेचुरेशन, ठीक है, और ये नॉर्मल होता है यानी इसकी टोटल वृद्धि का 25% हो गया इसका नॉर्मल ट्रांसफेरेटिन सेचुरेशन लेवल। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर ये मिलेगा अपने को लेस देन 16, ठीक है, 16%, ये हो गया अपना ट्रांसफेरेटिन सेचुरेशन लेवल। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टी आई बी सी की फुल फॉर्म टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये और आयरन को बाइंडिंग कौन करती है, ट्रांसफेरेटिन, यानी ये ट्रांसफेरेटिन है, ये आयरन है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब इसको बाइंड करने के लिए जो यहाँ पे लेके आ रहा है, खींच के ला रही है, चिपका रही है, इसको बोलते हैं अपन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये नॉर्मल के अंदर तो कम रहेगी कि कम ताकत लगानी पड़ेगी उसको चिपकाने के लिए, ठीक है, पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर क्या है, इसको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो ये इंक्रीज होगी, तो ये क्या होती है इंक्रीज, ठीक है, ठीक है। एक इसका हमने जैसा एग्जांपल देता हूँ, दो क्लासरूम है, ठीक है, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड, ठीक है, दोनों के अंदर 100 स्टूडेंट्स है, 100, ठीक है। क्लास फर्स्ट के अंदर तो क्या है 80 गर्ल्स
ठीक है, एंड 20 बॉयज। इसके अंदर क्या है, 20 गर्ल्स और 80 बॉयज, ठीक है। तो गर्ल्स को मान लो अपन आयरन, ठीक है, गर्ल्स हो गई आयरन, ठीक है, और बॉयज हो गए ट्रांसफेरेटिन, ट्रांसफेरेटिन, ठीक है। तो इसको ट्रांसफेरेटिन पे बाइंड होने के लिए आयरन, ठीक है, तो कहाँ पे इजीली बाइंड होएगा, यानी कि एक बॉयज और गर्ल्स को फ्रेंडशिप के लिए, एक बॉयज के हिस्से में चार आ रही है, चार में से एक तो से तो होएगी का, ठीक है। अब इसमें हो रहा है उल्टा, यानी कि 20 गर्ल्स एंड 80 बॉयज, इसमें तो इसको कोई ताकत नहीं लगानी पड़ रही आयरन को, ठीक है, या बॉयज को की कोई ताकत नहीं लगानी पड़ रही। अब इसमें क्या है, इसमें हो गया उल्टा क्लास टू के अंदर, इसमें 20 गर्ल्स एंड 80 बॉयज, ठीक है। तो जब फ्रेंडशिप के लिए वही आयरन गर्ल्स, ठीक है, और जब बॉयज को गर्ल्स से फ्रेंडशिप करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वालिटी का चयन, यानी सर्वोत्तम क्वालिटी, ठीक है, यानी चार में से कोई एक को चुनना है, ठीक है। अब एक कौन सा चुनेगा जिसकी क्वालिटी बेटर है, यानी हैंडसम है, रिच भी है, अच्छे कपड़े पहनता है, ठीक है, अच्छी पर्सनैलिटी है, वो होगा। तो ये इसके अंदर बॉयज को क्या करना पड़ रहा है, हाईली स्ट्रगल। तो ठीक इसी प्रकार टोटल आयरन बेंडिंग कैपेसिटी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर बढ़ती है, जो कि ट्रांसफेरिन सेचुरेशन बढ़ जाता है, ठीक है, यानी टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये हो गया अपना टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं सीरम क्रिएटिनिन फेरिटिनिन लेवल डिक्रीज। ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन, अब क्रिएटिनिन क्या है, ट्रांसफेरिनिन तो फेरिटिनिन तो क्या थी, आयरन कैरिंग प्रोटीन, और ये क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, ठीक है, आयरन, ये आयरन से बनती है, या वी कैन से कि इसके अंदर आयरन होता है, ठीक है। तो ये जब आयरन ही कम मिलेगा तो इसका सिंथेसिस कम होगा, ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ रिज सिंथेसिस ऑफ फेरिटिनिन मीन, इस प्रकार इसका लेवल कम हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, लेस देन वन ईयर में होती है 6 to 25 नैनोग्राम पर ml इसकी, ठीक है, एंड 1 to 5 year का, ठीक है, 1 to 5 year में हो गया 10 to 55 नैनोग्राम पर ml, ठीक है। ये हो गया अपना सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ये क्या है, क्रिएटिनिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, और इसका नॉर्मल लेवल होता है 1 year के अंदर, लेस देन 1 year के अंदर 6 to 25 नैनोग्राम पर ml, एंड
वन टू फाइव ईयर 10 to 55 नैनोग्राम पर एमएल, ठीक है। और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये इसका हो गया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में तीन चीजों को अपने को ध्यान रखना है। पहला ठीक है, आइडेंटिफाई द कोज एंड रिमूव इट, ठीक है। कोज को आइडेंटिफाई करना है और इसको रिमूव करना है। सेकंड वन, डाइटरी काउंसलिंग, यानी डाइट डाइटरी काउंसलिंग, थर्ड वन है स्ट्रिक्ट फॉलो अप, यानी इसको स्ट्रिक्ट फॉलो अप करिए, ठीक है, जब तक इसकी आयरन थेरेपी चलती है, ठीक है। आयरन थेरेपी की अपन बात करेंगे तो आयरन थेरेपी तीन प्रकार से दी जा सकती है, ओरल, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, एंड इंट्रावीनस, ठीक है। आयरन थेरेपी तीन प्रकार से वो दी जा सकती है, ओरल, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, इंट्रावीनस, ठीक है। तो इसमें मोस्ट कॉमन यूज मेनली अपन देते हैं ओरली, ठीक है, मोस्ट कॉमन, और रेयर यूज होता है आई इंट्रामस्कुलर या आईएम, रेयर यूज, ठीक है। अपन बात करते हैं फर्स्ट वन ओरल कब देते हैं, ओरल देते हैं विद मील, है ना, ठीक है। ओरल आयरन थेरेपी गिव विद द मील बिकॉज इट डजंट इरिटेट टू गैस्ट्रिक मिकोसा, यानी इसको मील के साथ देने से गैस्ट्रिक मिकोसा को ये इरिटेट नहीं करेगी, ठीक है। गिव विद द मील, ठीक है, गिव विद द मील, ठीक है। इससे क्या होगा, टू प्रिवेंट, क्यों दे रहे हैं मील के साथ, टू प्रिवेंट इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओरल के साइड इफेक्ट की, ठीक है, साइड इफेक्ट, ठीक है। फर्स्ट साइड इफेक्ट आता है मोस्ट, जो कि कॉमनली है, नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। सेकंड वन है एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फॉर्ट, या एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन, ठीक है। और नेक्स्ट है जो क्या है, आयरन थेरेपी के अंदर मोस्टली देखा जाता है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ये हो गए साइड इफेक्ट्स ऑफ ओरल आयरन थेरेपी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ओरल आयरन थेरेपी अपन देंगे तो इसके अंदर क्या देंगे, ठीक है। इसके अंदर एक फर्स्ट आता है
जो कि आयरन की सिंथेटिक टेबलेट फॉर्म है, एंट्रिक कोटेड, ठीक है, फर्स्ट है एंट्रिक कोटेड कोटेड आयरन, ठीक है, ये क्या है, टेबलेट फॉर्म ऑफ आयरन, टेबलेट फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है, एंट्री कोटेड आयरन, ठीक है, ये क्या होता है, इसको क्यों बोलते हैं एंट्री कोटेड आयरन, यानी इट नॉट डिजोल्व इन स्टोमक बिकॉज एंड इट डिजोल्व इन इंटेस्टाइन, यानी कि ये स्टोमक के अंदर डिजोल्व नहीं होता, और कहाँ होता है फिर इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, तो इसके देखते हैं ये क्या है, लेस इफेक्टिव, लेस साइड इफेक्ट, लेस साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट, ठीक है, एंड जब साइड इफेक्ट कम है तो इसके बट लेस इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव भी कम है, जब अपन देरी इफेक्टिव के लिए दे रहे हैं और इसका इफेक्ट आ रहा है कम तो अपन क्यों देंगे, ठीक है, और इसका थर्ड है इट इज मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव यानी कि बहुत महंगा आता है, महंगा भी आ रहा है, ठीक है, इफेक्ट भी कम दे रहा है, तो ये रेयरली यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कि अगर एंट्री कोटेड नहीं दे रहे तो क्या देंगे, ठीक है, तो अपन देते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट, और ये कितना देते हैं 326 mg पर केजी पर डे, ये इसकी डोज हो गई, ठीक है, ये क्या होगी डोज, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर तो दो कंटेंट आ रहे हैं, आयरन एंड सल्फेट, हाँ सही है, ठीक है, इसमें एलिमेंटल का आयरन होता है, एलिमेंटेड आयरन होता है ओनली 20%, ठीक है, 20% एलिमेंट आयरन एंड रिमेनिंग इज सल्फेट, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी इफेक्टिवनेस कैसे चेक करेंगे कि और फेरस सल्फेट काम कर रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं आफ्टर द 72-96 आवर्स आफ्टर द आयरन थेरेपी, तो अपने को क्या मिलेगा, रेटिकुलोसाइट यानी आरबीसी की बढ़ी हुई मिलेंगी, ठीक है, तो इसको लेते हैं टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ फेरस सल्फेट ठीक है टू काउंट, ठीक है, क्या काउंट करेंगे, रेटिकुलोसाइट साइट्स, रेटिकुलोसाइट्स आफ्टर द 72-96 आवर्स ऑफ आयरन थेरेपी, ठीक है, ये होगी इसकी इफेक्टिवनेस। तो इसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज आरबीसी काउंट, ठीक है, अगर ये इफेक्टिव आ रही है तो इंक्रीज आरबीसी काउंट, इंक्रीज आरबीसी काउंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसकी इफेक्टिव देखने के लिए क्या देख सकते हैं, सीरम आयरन लेवल चेक कर सकते हैं, टू चेक सीरम आयरन लेवल,
ठीक है, ये हो गया। और आयरन थेरेपी, ओरल आयरन थेरेपी कब तक देते हैं? ठीक है, ओरल आयरन थेरेपी थेरेपी गिव फॉर, ठीक है, गिव फॉर 4 to 6 month, ठीक है, ओरल आयरन थेरेपी 4 to 6 month के लिए अपन देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या नर्सिंग रोल्स है आयरन थे ओरल आयरन थेरेपी के अंदर। ठीक है, यानी फेरस सल्फेट के अंदर, ठीक है, इट गिव, इट डज नॉट गिव, नॉट गिव बाई कफ, ये कफ की सहायता से नहीं देनी, कफ, ठीक है, कफ की सहायता से नहीं देंगे तो किस देंगे, सहायता से देंगे किसके द्वारा देंगे, यूज स्ट्रो, यूज स्ट्रो। स्ट्रो क्या होती है? जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक कोल्ड ड्रिंक को दो शेयर करते हैं, ठीक है, यानी कि ये कोई भी कंटेंट हो गया, अब इसके अंदर जो पाइप ना डालते हैं और टू पीपल से पी सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रो। ठीक है, इसको क्यों नहीं देंगे? इफ, अगर स्ट्रो को भाई बच्चा है सक नहीं कर पाएगा, स्ट्रो को सक करना पड़ता है, ठीक है, तो इफ गिव गिव बाई कप, ठीक है, देन ब्रश ब्रश माउथ, ब्रश माउथ ऑफ ईच आयरन डोज, ठीक है, क्यों ब्रश करेंगे? टू प्रिवेंट ब्लैक टीथ, यानी दांतों को काले होने से बचा सके। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि विटामिन सी इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन सी इज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सन ऑफ आयरन, ऑफ आयरन, ठीक है, विटामिन सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, या अपने भी यूँ भी कह सकते हैं भाई सिट्रस फ्रूट, ठीक है, ये क्या है? विटामिन सी कंटेंट्स। तो और इसके अंदर एंटा एसिड एंड कैल्शियम, ठीक है, अब कैल्शियम का एक कंटेंट आ गया मिल्क, ठीक है, ये क्या करते हैं? डिक्रीज आयरन आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर रहे हैं। सर आप कहेंगे, सर मिल्क तो बच्चा पिएगा ही। हाँ, मिल्क पिलाएंगे लेकिन आयरन थेरेपी के साथ नहीं, आफ्टर द 1 to 2 आवर ऑफ आयरन थेरेपी, उसके बाद अपन मिल्क पिलाएंगे जब तक कि आयरन या फेरस सल्फेट एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक आयरन या फेरस सल्फेट या आयरन थेरेपी की एक स्पेशल बात है जो है ब्लैक स्टूल स्टूल इज नॉर्मल फाइंडिंग इन आयरन थेरेपी। यानी
मदर को पेरेंट्स को अच्छे से काउंसल करना है, कि ब्लैक स्टूल नॉर्मल फाइंडिंग है जो कि आयरन थेरेपी के अंदर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं IM इंट्रामस्कुलर थेरेपी, ये हो गया ओरल, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंट्रा मस्कुलर या अपन कह देते हैं IM, ठीक है। IM में इंट्रामस्कुलर सबसे पहले बात तो ये है कि ये रेयर यूज अगर आप दे रहे हैं, इफ यूज देन गिव बाय जेड ट्रैक मेथड, ये जेड ट्रैक मेथड से IM देना, ठीक है। अब इसको रेयर यूज क्यों करते हैं, कुछ इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इट कोज या एलर्जिक रिएक्शन रिएक्शन एंड और क्या करता है, नेक्रोसिस ऑफ मसल्स, यानी कि जिस मसल्स के अंदर लगा उसका नेक्रोसिस कर देता है, इसका इंजर्ड हो जाती है या फ्लैट हो जाती है, ठीक है, डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके दो क्या हो गया IM थेरेपी के साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट है, इसकी वजह से इसको रेयरली यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंट्रावीनस, इंट्रा वीनस IV, ठीक है। इंट्रावीनस कब देते हैं, यानी कि इसके इंडिकेशन कब देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडिकेशन है इफ ओरल आयरन थेरेपी हैव मोर साइड इफेक्ट, यानी ओरल आयरन थेरेपी से साइड इफेक्ट से ज्यादा आ रहे हैं, और माल एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो कितनी ओरल आयरन थेरेपी दे लो, कोई मतलब नहीं है, कोई काम ही नहीं आएगी, ठीक है। तो माल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, और आयरन का एब्जॉर्प्शन क्या होता है जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूओडेनम, यह इसकी एब्जॉर्प्शन साइट, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंट्रावीनस के अंदर देंगे क्या, ठीक है। तो इसके अंदर देते हैं अपन आयरन सुक्रोज, आयरन
क्रोज, ठीक है, आयरन सुक्रोज, जिसकी डोज क्या है 1 to 3 mg पर केजी पर डे, ठीक है, ये इसकी होगी डोज। और इसको क्या कर, इसको कैसे देंगे, इट डिजोल्व इन 150 ml NS, यानी कि 150 ml NS के अंदर इसको डिजोल्व करके देते हैं, एयर इन्फ्यूज वेरी स्लोली, गिव स्लोली, ठीक है, स्लोली कितना देंगे 30 to 90 minutes के अंदर देना है आयरन सुक्रोज, जिसकी डोज है 1 to 3 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, ठीक है। अगर इनसे भी सही नहीं हो भाई, आयरन थेरेपी दे दी, ओरल आयरन थेरेपी से भी नहीं हो रहा, आईवी दे दी, ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, जब ये भी काम नहीं करा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर तो सब कुछ आ रहा है, आरबीसी भी आ रही है, हीमोग्लोबिन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि क्या डाइट देंगे, या फिर कैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर क्या डाइट रहेगी, ठीक है, या डाइटरी कंटेंट्स। डाइट, ठीक है, डाइट फूड या आयरन रिच फूड, ठीक है। तो फर्स्ट आयरन रिच फूड है जो कि मोस्ट कॉमनली सभी जानते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि स्पिनच, यानी पालक, ठीक है, स्पिनच, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका स्पिनच यानी पालक, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो क्या दे सकते हैं इसको, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, बीन्स, बीन्स क्या होती हैं, फलियां, ठीक है, सीरियल्स, नेक्स्ट वन सीड्स, ठीक है, सीड्स, पोटैटो, ठीक है, नट्स यानी कि अखरोट्स, ठीक है, नट्स, एग योक, ठीक है, लीवर मीट, ठीक है, मोलासेज क्या होता है, गुड़ इज ऑल्सो सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है, मेनली मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का एग्जाम्पल है स्पिनच, पालक, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं,
ड्राई फ्रूट्स, बीन्स, बीन्स क्या होती है फलियां, ठीक है, सीरियल्स, सीड्स, पोटेटोज, नट्स, एग योक, लीवर मीट एंड मोलाज। मोलाज क्या होता है? गुड़, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को अपने क्लास का फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक यू, थैंक यू।